बीते 13 नवंबर को कश्मीर के बारामुल्ला में सीमा सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात ऋषिकेश के राकेश डोभाल पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायरिंग के दौरान शहीद हो गए थे, जिनका सैन्य सम्मान के साथ पूर्णानंद गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का पार्थिव शरीर कश्मीर से सैन्य सम्मान के साथ तीर्थ नगरी ऋषिकेश लाया गया। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए मौके पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं शहीद की अंतिम यात्रा में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के अलावा कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं इस मौके पर शहीद राकेश डोभाल की बेटी मौली डोभाल ने भारत माता की जय के नारे लगाए, साथ ही सेना में भर्ती होकर अपने पिता का सपना पूरा करने की बात कही। नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा डोभाल है। क्या कहना है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं, ये हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूँगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।